हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस प्यारे से वीडियो में। तो आज का दिन है संडे और पापा बाजार से मछली खरीद के लाए हैं और पापा मम्मी दोनों बाहर में मछली को धो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मम्मी पापा दोनों मिलकर मछली को धो रहे हैं और पापा पानी दे रहे हैं और मम्मी मछली सबको अच्छे तरीके से धो रहे हैं और पापा यहाँ पे थोड़ा सा नमक पैन गर्म होने के बाद पापा तेल लगाएंगे पैन के अंदर में। मछली सबको एक एक करके इस यहाँ तेल पे फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और पापा ने एक मछली को डाला है। ये गया दूसरा। ये रहा तीसरा मछली का पीस। ये रहा चौथा। तो गाइस ये चार और पांच डालने के बाद इसको अच्छे तरह से फ्राई होने देंगे। उसके बाद में ये फ्राई होने के बाद में ये बाकी सबको डालेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे मम्मी जी चावल चढ़ा रही है। पानी लगभग गर्म हो चुका है। चावल कितना पहले लगाओगे माँ? वो लगा रही है मम्मी। आप देख सकते हैं गाइस, मेरे पापा मम्मी दोनों मिलके कुकिंग कर रहे हैं आज। ये हमारा मछली आधा फ्राई हो चुका है। तो गाइस आपको कैसा लगता है मछली खाना? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको फ्राई अच्छा लगता है या सब्जी, इसका सब्जी अच्छा लगता है? इधर मम्मी मसाला बनाने के लिए लहसुन को छील रहे हैं। मम्मी क्या क्या मिलाते हो मसाला बनाने के लिए? लहसुन और सरसों। मछली में दो चीज ना, सरसों और लहसुन को मिक्स करके ग्राइंड करते हो। और पापा बोल रहे हैं मिर्ची को तो तुम भूल गए हो बोलना। मम्मी को तो पापा जैसा भी मालूम नहीं है। पापा मम्मी को सिखाते हैं क्या क्या मिलता है मसाले में, उसके अनुसार मम्मी बनाती है खाना। पापा हो गया मछली फ्राई? हो गया हो गया ना, हो गया हो गया हो गया। इतना टेस्टी लग रहा है का। आज गाइस बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, बर्तन भी नहीं धोई हूँ मैं, अभी धोने वाली हूँ। बस आपको दिखाने के बाद मैं अभी धोने जाऊंगी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये मछली पांच मछली का पीस ये फ्राई हो चुका है और पापा पैन में से निकाल के ये बर्तन में रख रहे हैं। ये सारा बनेगा कि ये थोड़ा सा ही बनेगा? सारा बनेगा। अच्छा सारा बनेगा, जो से खाएंगे। इस ब्लॉग में बने रहिए, ये सब फ्राई होने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों चावल लगभग बन चुका है, अभी बस इससे चावल से पानी निकालना है और चावल को अलग रखना है। मम्मी लहसुन छील चुकी है और थोड़ा यहाँ पे पानी एक बर्तन में पानी में डाल दिए हैं मम्मी, अभी इसको ग्राइंड करने वाली। और यहाँ पे मम्मी मिर्ची को थोड़ा अच्छे से साफ कर लेगी, उसके बाद ग्राइंडर में डालेगी। क्या हुआ मम्मी? खांसी हो गया, मिर्ची का झाग में खांसी हो गया। ये जो रेड रेड दिख रहा है वो ना, ये रहा।
ये देखिए गाइस मेरा मम्मी का फोन कैसा लग रहा है आपको, ये फ्रंट और ये बैक कैमरा। ये बैक कैमरा को मम्मी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। मम्मी एक इसको धोने के बाद मम्मी ने ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके इधर डाला है। लहसुन मिर्ची को भी अभी धो रहे हैं। डाल दिया है मम्मी ने मिर्ची को। आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग इतना मिर्ची खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने निकाल लिया है सरसों। मम्मी इसको भी धोएंगे। अच्छे तरीके से मम्मी धो रहे हैं। Five minutes later. दोस्तों हमारा मछली फ्राई होके रेडी हो गया है और यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। और ये रहा प्याज, इसको मम्मी सब्जी बनाने में इसको इस्तेमाल करेगी। मम्मी और क्या ग्राइंड किया है अभी? टमाटर। तो इस ये पेस्ट वाला टमाटर डालने से ज़्यादा टेस्ट आता है क्या? मछली में पूरा मिल जाएगा। मम्मी गैस को ऑन कीजिए। मम्मी ने अभी गैस को ऑन कर लिया है और पैन को बिठा दिया है। गाइस हमारे घर में कैसा मछली करी बनता है वो आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आप बने रहिए। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। मम्मी अभी चेक करिए, एक प्याज का टुकड़ा को डाल के चेक करिए कि ये तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मम्मी प्याज डालने जा रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अभी ताकि ये अच्छे जल्द से जल्द ये फ्राई हो जाए। इसके बाद क्या डालेगा मम्मी? इसके बाद मम्मी ये मसाला को डालने वाली है। ये सारा मसाला लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। जल्दी से ये प्याज अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मसाला को डालेंगे। गाइस मुझे इतना अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ और अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। इसका रीज़न भी मैं आपको कल ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों प्याज फ्राई हो गया है, अभी मम्मी मसाला को डाल रहे हैं। ये पूरा नहीं लगेगा मम्मी? आधा ही हो जाएगा। दोस्तों हम रिफाइंड तेल खाते हैं, सरसों तेल नहीं खाते हैं क्योंकि मम्मी जी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम रिफाइंड तेल खाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा खाते थे, इसी वजह से मम्मी का ब्लड प्रेशर हो गया, तो अभी बहुत दिन से छोड़ दिए हैं और अभी सिर्फ रिफाइंड तेल ही यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर मम्मी हल्दी डाल रही है। ये क्या है मम्मी? काश्मीरी मिर्ची ना, थोड़ा कलर इसका अच्छा आएगा ना, इसी वजह से मम्मी कोई भी मीट होता है तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालती है। दोस्तों अभी मसाला फ्राई हो गया है और अभी इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं मम्मी जी। और इसके बाद क्या कर रहेंगे मम्मी? पानी मिलाएंगे। मम्मी हमेशा
कोई मीट या मछली बनता है तो पहले पानी को गर्म कर लेती है, उसके बाद ही इस सब्जी में डालती है। तो मिलते हैं मछली करी बनने के बाद, आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे हमारा मछली करी कैसे दिख रहा है। वीडियो में बने रहिए। ये हमारा मछली करी बन के रेडी हो चुका है, और ये रहा दाल और ये रहा चावल। मुझे दाल खाना अच्छा नहीं लगता है, रोज़ रोज़ खा के मैं बोर हो गई हूँ। जब भी कभी मीट बनता है या मछली बनता है तो मैं दाल को छोड़ देती हूँ और सिर्फ मछली या मीट खाती हूँ। और मम्मी जी इधर खाना निकाल रहे हैं पापा के लिए, मेरे लिए और अपने लिए। भैया अभी नहीं खाएगा, उसको कुछ काम है इसी वजह से अभी नहीं खाएगा वो। मैं नहीं खाऊंगी मम्मी, दाल नहीं खाऊंगी मैं। देख सकते हैं गाइस, मम्मी सबके लिए सर्व कर रही है। इधर पापा जी बैठे हैं, पापा जी इधर देख लीजिए। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, खा के भी देखेंगे तो कैसा लग रहा है। मम्मी ने पापा को खाना दे दिया है, चावल और मछली की करी। पापा दाल नहीं खाएंगे? नहीं। आपको भी अच्छा नहीं लगता है? नहीं। पापा जी ने शुरू कर लिया है खाना। मम्मी हमारे लिए भी निकालो जल्दी से, साथ में खाएंगे ना। ये रहा मेरा खाना। मम्मी आपका, आप कहाँ पे बैठोगे? ये रहा मम्मी जी का खाना। आप भी दाल नहीं खा रहे हो? नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी अपना दोपहर का खाना को थोड़ा एंजॉय करती हूँ, फिर मिलेंगे कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।